चंबा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नीरज नैयर ने चंबा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को जमकर घेरा। नीरज नैयर ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब चंबा कॉलेज में 100 के लगभग डॉक्टर थे, लेकिन आज ये संख्या 40 के करीब ही पहुंच गई है। ये मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है, जो प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामयाबी को दिखाता है। चंबा मेडिकल कॉलेज में दिन ब दिन डॉक्टरों की संख्या में हो रही कमी और नए डॉक्टरों की नियुक्ति न होने के कारण चंबा के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं इस कारण चंबा में स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमरा गई हैं। मेडिकल कॉलेज में फैल रहे अव्यवस्था के इस आलम को लेकर शनिवार को सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी नीरज अय्यर द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। नीरज नैयर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाते ही चंबा मेडिकल कॉलेज की दशा खराब होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के ही कार्यकाल में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या 100 से 40 हो गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज चंबा है, ये पूर्व में रही यूपीए सरकार, हमारे पूर्व के हमारे मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है जो चंबा का मेडिकल कॉलेज है। और इसकी जो दयनीय हालत आजकल बनी हुई है, आप लोग आजकल रोज़ देख ही रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। जब ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था, जब सेकंड बैच बैठा था, तो तकरीबन 100 से ऊपर डॉक्टर्स ऑन पेपर जो है 100 या 103 के करीब डॉक्टर्स थे। अब उनकी संख्या मुझे लगता है घट के तकरीबन 40 के आसपास हो गई है, और उन 40 में भी शायद 15-16 और लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, जिस अकोमोडेशन में वो रह रहे हैं उन अकोमोडेशंस का रेंट नहीं दिया जा रहा है पिछले 5-6 महीने से। तो एक बड़ी जैसी दयनीय जैसी स्थिति हो गई है, और डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ चंबा से भाग रहे हैं, और जो नए डॉक्टर्स ये यहाँ लगाते हैं वो उनकी पोस्टिंग शिमला से होती है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर की हुई, उसने अपनी फिर डॉक्टर जो अपनी ट्रांसफ़र है वो एडजस्ट करा लिया उसने अपने आप को कहीं। तो चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो बुरे तरीके से सफ़र कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि चंबा एक दूरदराज के क्षेत्र है, और मेडिकल फैसिलिटी यहाँ होना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।